गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शांति श्रीवास्तव फ्रॉम रेडियन पब्लिक स्कूल, क्लास 4, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो लेसन 1 को पढ़ लिया है। आज हम लोग लेसन 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्ण विचार। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं हो सकते हैं, वर्ण कहलाती हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं हो सकते, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिगर में देख लीजिए आप, निम्न चित्रों और उनके नीचे लिखे चिन्हों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझाइए। देखिए यहाँ पर क्या है, शेर, और इस साइड है पुरुष। शेर है जो, इसकी ध्वनियों, शेर जो है इसका वर्ण विच्छेद हुआ है, और इनके शेर में जितने भी ध्वनियाँ हैं छोटी से छोटी, उन्हें अलग किया गया है। जैसे शेर में क्या छिपा है, स में क्या छिपा है, किस चीज़ की मात्रा, तो ए की मात्रा, और र में अ छिपा है। तो बच्चों देखिए, स हलंत जोड़ ए जोड़ र हलंत जोड़ अ, ये क्या हो गया, किस चीज़ बन गया, शेर। ये शेर का वर्ण विच्छेद है। देखिए बच्चों, शेर का तो वर्ण विच्छेद हो गया, लेकिन जिस जो इनमें ध्वनियाँ छिपी है ए की मात्रा, इनका खंड नहीं किया जा सकता। अब यह क्या है, ये छोटी से छोटी ध्वनियाँ है, और इन्हें जो खंड नहीं किया जा सकता है, उसी को क्या बोलेंगे हम, वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, पुरुष, पुरुष में प में छिपा है क्या, छोटा उ की मात्रा, र में बड़ा उ की मात्रा, और श में अ की मात्रा। तो प जोड़ प में हलंत, किसी भी अगर प में से हम लोग उ ध्वनियों को अलग किए, तब प में क्या लग गया, हलंत। यहाँ भी आप लोग श में हलंत देखेंगे, यहाँ पर प में हलंत जोड़ उ, र में से हम लोग बड़ा उ को अलग किए या फिर, तो हलंत लग गया। श में अ को अलग किए तो हलंत लग गया। किसी भी मात्रा से, किसी भी वर्ण से हम लोग कोई ध्वनियों को अलग करेंगे, तो वो वहाँ पर हलंत लग जाएगा। जिस मात्रा, जैसे कि यहाँ से हम प से जब हम लोग उ को अलग किए तो प पर हलंत लगा, वैसे ही अगर हम लोग जिस भी वर्ण से अगर हम लोग ध्वनियों को अलग करें, तो जिससे अलग कर रहे हैं उस पर ही हलंत लगेगा। ठीक है, अब उपयुक्त शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं। जैसे कि यहाँ पे ए से, ए और र से क्या बन गया है, शेर। श में जो ए छिपा है, र में जो अ छिपा है, उन्हीं से क्या बन गया, शेर। ये ध्वनियाँ सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि मैंने बताया कि अब यहाँ पे जो ए है, जो अ है, उसका क्या और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। प्रत्येक ध्वनियों को लिखने के लिए एक चिन्ह होता है, ध्वनियों के इस लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। ध्वनियों वर्णों के सार्थक समूह से ही शब्द बनते हैं। प्रत्येक भाषा में अनेक वर्ण होते हैं, भाषा के प्रयोग में लाए जाने वाले सभी वर्ण के निश्चित और क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब जितने भी ये इसके समूह हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्णमाला। भाषा के प्रयोग में लाए जाने वाले सभी वर्ण जो निश्चित और क्रमिक रूप से उन्हें सजाया जाए, उनकी सूची बनाया जाए, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, वर्णमाला। अब हम वर्णों के प्रकार देखेंगे। जैसे कि आप लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे वर्णों के प्रकार, तो हिंदी भाषा में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला है स्वर, स्वर में आपको क्या आ गया, अ आ ई ये सब, और व्यंजन में दूसरा है व्यंजन, उसमें क्या आ गया आपको, क ख ग ये। तो पहला हो गया आपका स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। सबसे पहले अब हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे कि ऐसा वर्ण जैसे मीन्स अ निकल रहा है मुंह से, तो अगर कोई रुकावट नहीं निकलती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्वर। कोई बाधा नहीं आती है रुकावट में। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको सब, यह क्या है, ये स्वर वर्ण है। इसको हम जब भी बोलेंगे तो यह आराम से मुंह से निकल जाएंगी, कोई रुकावट या बाधा हमारे मुंह में नहीं आएंगी, उन्हें क्या हम लोग बोलेंगे, स्वर।
स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। निम्नलिखित स्वर वर्ण है अ आ ई बड़ी छोटा उ बड़ा उ री ए ऐ ओ औ। और जो अ और अ न तो स्वर होते हैं न व्यंजन, इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग अयोग वाह कहते हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्वर के भेद, व्यंजन के भेद, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके थैंक यू।